ஹலோ, பார்ட்டிக்கு எங்க போக போறீங்க? துரித உணவகத்துக்கு போறீங்களா? வாங்க, நான் உங்களை கூட்டிட்டு போறேன். துரித உணவகம். जिस होटल में ग्राहकों को तुरंत चटपटा खाना पेश किया जाता है उसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट कहते हैं। टोमेटो सॉस। पिसे हुए रसीले टमाटरों से मीठा या नमकीन सॉस बनाया जाता है। सैंडविच या चाइनीज खाने में इसका उपयोग बहुत होता है। चीज़बर्गर। चीज़बर्गर एक प्रकार का बर्गर है जिसमें चीज का उपयोग किया जाता है। मिल्कशेक। स्वादिष्ट सुगंधी दूध और आइसक्रीम से बनाया हुआ मिल्कशेक बड़े बड़े गिलासों में बच्चों को दिया जाता है। बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। स्वीट कॉर्न या मीठा मकई। मकई के दानों से स्वीट कॉर्न नामक एक पदार्थ बनाया जाता है जिसे अक्सर सूप में इस्तेमाल करते हैं। सैंडविच। ककड़ी, टमाटर, चिकन, हैम और चीज जैसे पदार्थों को दो पाव के टुकड़ों में रखा जाता है जिसे सैंडविच कहते हैं। फास्ट फूड का ये एक बहुत ही लोकप्रिय प्रकार है। स्ट्रॉ या नली। प्लास्टिक से बनी हुई ये लंबी नलियां यानी स्ट्रॉ कोल्ड ड्रिंक्स या जूस पीने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। वेटर या बैरा। वेटर या बैरा होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं और आपको आपकी मनपसंद चीजें ला कर देते हैं। टिशू या कागज का रुमाल। टिशू एक कागज का बहुत ही पतला टुकड़ा होता है जिससे हम अपने हाथ या मुंह पोंछते हैं। इसे साधारणतः हाथ धोने के बाद उपयोग में लाया जाता है। ये कागज का रुमाल पानी को बहुत अच्छी तरह से सोख लेता है। आइसक्रीम। आइसक्रीम एक ठंडा खाने का पदार्थ है जिसे खाने के बाद खाया जाता है। इसे बनाने के लिए दूध, मलाई और अन्य सुगंध या फलों का उपयोग किया जाता है। बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है। पफ्स। आटे से बनाए हुए बिस्किट जैसे दिखने वाले पफ्स एक लोकप्रिय पदार्थ है। शाम की चाय के साथ हमेशा पफ्स खाए जाते हैं। वेट्रेस। जो लड़कियां होटल या रेस्टोरेंट में काम करती हैं और आपको मनपसंद खाना लाके देती हैं, उन्हें वेट्रेस कहा जाता है। होटल के नियमों के अनुसार वेट्रेस हमेशा गणवेश परिधान करती हैं।